हिस्सों में रबी और खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कमी से दो चार होना पड़ता है। खाद की कालाबाजारी के कारण उन्हें ऊंची कीमत पर खाद को खरीदना पड़ता है। बिहार के किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। खाद की उपलब्धता और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इसकी बिक्री के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने खुद इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उचित मूल्य और आसानी से खाद मुहैया कराने के लिए व्यवस्था कर ली जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि अगले 10 दिनों में राज्य के सभी जिलों में यूरिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आवश्यक है कि राज्य में खाद की उपलब्धता समुचित मात्रा में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कड़ाई से लागू करते हुए किसानों को उचित मूल्य पर सभी प्रकार के उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की कटिबद्धता है। जहां कहीं से भी किसानों से शिकायत प्राप्त हो रही है उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पूर्व में उर्वरक कंपनियों को जितनी चेतावनी दी जाती थी या दी जा चुकी है, अगर गलत मंशा से अगर कोई पदाधिकारी कर्मचारी व उर्वरक विक्रेता और कंपनी किसानों के अहित में कार्य कर रहे हो तो उन पर बड़ी कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करे। उन्होंने मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन जिलों में उर्वरक के स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश भी जारी कर दिया है।